हाय एवरीवन, मेरा ड्रैगन फार्म अभी 2 महीने का, अभी प्लांट 2 महीना कंप्लीट हुआ है और ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। थोड़ा बहुत एक आध प्लांट थोड़ा इतना ग्रो हुआ है, अच्छा टॉप पे थोड़ा पहुंच गया है। अभी थोड़ा इसका रूट चेक कर रहा हूँ कि रूट कैसा ग्रो हुआ है। अभी रूट प्लांट के थोड़ा आसपास ही है, जितना मैं सैपलिंग्स को लगाने से पहले रूट ग्रो किया था लगभग उतना ही है। ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है, तो मैं इसमें रूट ग्रोथ करने के लिए कुछ कुछ यूज़ करूँगा। जैसे ये माइकोराइज़ा है, माइकोराइज़ा एक फंगस है जो नेचुरली अवेलेबल होता है जंगलों में, या फिर नेचुरली प्लांट के साथ मिट्टी में ही अवेलेबल होता है। ये क्या करता है कि प्लांट के रूट के साथ बाइंड हो जाता है और एक दूसरे के साथ अपना न्यूट्रिशंस एक्सचेंज करता है और रूट्स के साथ खुद भी ग्रो करता है, और रूट का जो एरिया होता है वो एक्सपेंड कर देता है ताकि प्लांट को भी रूट डेवलप अच्छा होता है, प्लांट को भी न्यूट्रिशन मिले और उसके साथ प्लांट माइकोराइज़ा को भी अपना न्यूट्रिशन थोड़ा एक्सचेंज करे। जैसे कि नाइट्रेट होता है और शुगर होता है, वो क्या करता है माइकोराइज़ा को देता है और माइकोराइज़ा उसके साथ प्लांट के रूट के साथ ज़्यादा एरिया को कवर करता है और उस एरिया के पूरे न्यूट्रिशन को प्लांट को अपटेक कराने में माइकोराइज़ा हेल्प करता है। और साथ में हम लोग को फास्फोरस यूज़ करना पड़ेगा। मैं बोन मील दे चुका हूँ और वो धीरे धीरे फास्फोरस रिलीज़ करेगा, लेकिन उसके साथ हम लोग को फास्फोरस स्प्रे भी करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग पीरियड में उतना अवेलेबल नहीं होता फास्फोरस, और फास्फोरस बिना रूट ग्रोथ ठीक से नहीं होगा।